वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 182.6235 पे आप क्लोजिंग दिए कोल इंडिया स्टॉक में। आज यहाँ पे आप देख सकते गिरावट देखने को मिले, यानी कि 1.95 पैसे की गिरावट, यानी कि तकरीबन 1% तक गिरावट देखने को मिले कोल इंडिया स्टॉक में आज के दिन में। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो आज ओपन हुआ था, फ्लैट ओपनिंग दी थी, हल्की सी गैप डाउन से ओपन हुआ था। ओपन होते ही सुबह में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था, उसी उछाल में प्रीवियस क्लोजिंग 185 लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, पर ऊपर ज़्यादा समय सेटल नहीं हो पाए तो गिरावट देखने को मिले। पूरे यहाँ पे दिन भर लोअर ट्रेंड दिखने को मिला है कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक में, और डे एंडिंग में लो पे ही क्लोजिंग दे चुका था। यानी कि ओपन हुआ था 183.45 पे, हाई बनाया था 186.75 का और लो है 181.20 का। मार्केट कैप है 1.12 लाख करोड़ का, पी रेशियो 13.62 और डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे 9.60% का। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे मोमेंट चौपी से देखने को मिले, पर 1 मंथ में 3% तक गिरावट देखने को मिले। तो चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के, तो कोल इंडिया लिमिटेड के यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, फिर यहाँ पे आप देख सकते बुलिश कैंडल ने 180 लेवल को ब्रेक करके रिसेंटली 180 के ऊपर सेटल हो चुका है कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे 180 टू 181 का सपोर्ट लेके यहाँ पे सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। जो पिंक कलर की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप देख सकते उसका क्रेट बार यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है कोल इंडिया स्टॉक ने, आज भी उसी का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। यहाँ पे इस हफ्ते में यहाँ पे ऊपर ही सेटल होता है तो आने वाले वीक में फिर से 190 लेवल तक जाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे कोल इंडिया स्टॉक के। तो ये थे लेटेस्ट न्यूज़ कोल इंडिया स्टॉक के लिए।